साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर सम्मान समारोह में पतंजलि के योगाचार्य डॉक्टर सचिन कुमार त्यागी को बेस्ट डॉक्टर योगाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया। मेडलिंग्स द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के बेस्ट डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। योगाचार्य डॉक्टर सचिन त्यागी ने बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में जिन डॉक्टरों ने बेहतर कार्य किए हैं उनको सम्मानित करने के लिए मेडलिंग्स द्वारा समारोह आयोजित किया गया था। सभी चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उसको लेके वो अवार्ड का कार्यक्रम आयोजित किया गया मेडलिंग्स के माध्यम से। योग के क्षेत्र में उन्होंने मेरा नाम कॉल किया कि आप आइए और सम्मान पाकर मुझे उन लोगों के लिए अच्छा लग रहा है जो इस फील्ड से जुड़े हैं। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ का स्वरूप अभी तक तय नहीं हो पाया है, जिसके लिए अब अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया है कि वो मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने के बाद उनसे मिलने जाएंगे। अखाड़ा परिषद के महामंत्री का कहना है कि जैसे ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वस्थ होते हैं उनसे अखाड़ा परिषद मुलाकात करने जाएगा और कुंभ के स्वरूप को लेकर चर्चा करेगा और निर्णय लेगा। देश था कि मुख्यमंत्री जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए और आने की रात हम शीघ्र उनको पहले जो है जाकर एक चक्र उड़ाकर और तमाम देखकर उनकी मैं कामना करेंगे, शुभकामनाएं करेंगे। साथ ही हरिगिरी महाराज ने कहा कि अखाड़ा परिषद 20 फरवरी का इंतजार कर रहा है। उनका मानना है कि हरिद्वार में होने वाला कुंभ भव्य और दिव्य ही होना चाहिए। कि 20 फरवरी का इंतजार देख रहे हैं क्योंकि 20 फरवरी को निश्चित ही देश से करोना का विदाई समारोह के पहले पहले उनका होना है। अब विदाई समारोह कराने में हम लोग कामयाब रहे तो ये समझिए कि मेला अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि हर आदमी, हर वर्कर, हर मुख्यमंत्री का तो छोड़िए, हर वर्कर मुख्यमंत्री ने तो हमको वचन दिया था, ऐतिहासिक व्यवस्था थी। देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत धारकोट में स्वास्थ्य सेवा बदहाली के दौर से गुजर रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा होने के बाद भी यहां स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। कई बार यहां के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से यहां की बदहाल स्वास्थ्य सेवा को सुधारने की मांग की, लेकिन आज तक व्यवस्था में कोई सुधार देखने को नहीं मिला, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। सबसे पहले तो मेन हॉस्पिटल की समस्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो इस सन 17 से हमारी ये मांग चल रही है, दो बार हम मुख्यमंत्री के पास मिल चुके हैं, सारी टीम हमारी जो हमारे ग्राम सुधार महिला संगठन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और हम तीन बार जो है मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं कि हमने हॉस्पिटल की लिखित रूप में कंप्लेन कर रखी और अभी तक इसका कोई मसला हल नहीं। हमें उच्चीकरण चाहिए, 10 बेड का हॉस्पिटल चाहिए। कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिताबपुर में बीते 25 दिसंबर को बंदूक की नोक पर एक बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कोटद्वार पुलिस ने महज 10 दिनों में ही डकैती का खुलासा कर दिया। एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने आज कोटद्वार पहुंचकर इस बड़ी डकैती का खुलासा किया, जिसमें एसएसपी पौड़ी गढ़वाल ने बताया कि जिनके घर डकैती हुई थी इसके पीछे उन्हीं के रिश्तेदारों का हाथ था, जिसमें अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 डकैत मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के डकैतों का सहारा लेकर इस डकैती की घटना को अंजाम दिया। तो उनसे पूछताछ कर ये पता चला था और दो अभियुक्त हैं इस घटना में, अभी वांछित चल रहे हैं। एक प्रवीण है, वो इस घटना का मतलब वादी है, उनकी रिलेटिव है, तो उन्होंने इनके घर के बारे में सूचना दिया है, इसी से इन लोगों ने प्लान करके ये घटना किया था, तो वो अभी वांछित है। एक और अंकित है तो वो भी वांछित है, तो हम अभी प्रयास करेंगे उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। पुलिस ने 5 आरोपियों को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया। पुलिस महानिदेशक द्वारा इस घटना का अनावरण हेतु पुलिस टीम का उत्साहवर्धन किया गया। पुलिस टीम को 20,000 रुपए इनाम के तौर पर भी दिए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों से 3 तमंचे, 8 जिंदा कारतूस समेत 2.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। हमारा कोटद्वार के टीम द्वारा मुजफ्फरनगर में 5 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया था,
पांच हाथों से हमने कितना भी यहाँ पर लूट में सामान मिला था वो सामान बरामद हुआ है। उसमें कैश भी है, ज्वेलरी भी है। इसके अलावा घटनाक्रम में उन लोगों ने यूज़ किया था 3 गाड़ी बरामद हुआ है और तमंचा चाकू वगैरह भी बरामद किया है। पौड़ी के मुख्य बस अड्डे के पैदल मार्ग के सुधारीकरण की मांग को लेकर आज पौड़ी की स्थानीय महिलाएं आक्रोशित दिखी। महिलाओं ने पौड़ी के मुख्य बस अड्डे पर जाम लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय महिला अनीता रावत ने बताया कि पौड़ी के मुख्य बस अड्डे से मॉल रोड तक जाने वाले पैदल मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं और उनकी ओर से समय समय पर नगर पालिका पौड़ी को इसके सुधारीकरण के लिए मांग की गई थी। साथ ही उनसे आग्रह किया गया था कि जल्द इस रास्ते को चलने योग्य बनाया जाए। उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर पैदल जाने वाले लोग बहुत बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन पालिका की ओर से उनकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है। इसको लेकर आज उन्होंने मजबूरन पौड़ी के मुख्य बस अड्डे पर जाम लगाकर विरोध जाहिर किया। तो ये रास्ता बहुत क्षतिग्रस्त है, इसकी बहुत ही बुरी दुर्दशा हो रखी है। इस रास्ते के विषय में मैंने भी अध्यक्ष जी से बात की थी पर्सनली कि अध्यक्ष जी प्लीज़ ये रास्ता बना दीजिए, इसकी बहुत ही बुरी दुर्दशा हो रखी है। तो अध्यक्ष जी ने मुझे ये जवाब दिया था कि मैडम आप कल की आई हुई हैं, आपको कुछ अता पता तो रहता नहीं है। पौड़ी की जनता मुझे 3 बार यहाँ अध्यक्ष के रूप में चुन चुकी हैं, तो ये जो रास्ता है स्टेशन के साथ ही ये रास्ता बनेगा, इसका प्रोजेक्ट जो है कि इसके साथ ऐड है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रदीप बिश ने बताया कि पौड़ी के मुख्य बस अड्डे का निर्माण कार्य चल रहा है और इस रास्ते का सुधारीकरण भी होना है, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए पहले इसी रास्ते का सुधारीकरण करवा दिया जाएगा। उबड़खाबड़ हो रखा है और इसको पहले हमारा ये प्लान था जब बस अड्डे का निर्माण कार्य इसमें शुरू होगा उसके बाद इस अच्छे शहर का सौंदर्यकरण करते हुए इसको बनाइए, लेकिन पब्लिक की ये मांग है कि इसको तुरंत बनाया जाए। तो इसमें तुरंत 1 महीने के अंदर इसमें कार्रवाई करते हुए जो स्टेप इसके खराब है और जो रेलिंग टूटी है उसमें सुधार किया जाएगा। संतों की सर्वोच्च संस्था कही जाने वाली अखाड़ा परिषद में किन्नर अखाड़े को लेकर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि सन्यासी अखाड़ा और वैष्णव अखाड़ों के बीच थम गई है। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी पर असंवैधानिक रूप से पद पर काबिज होने का आरोप लगाया। वैष्णव अखाड़ों के अनुसार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री दोनों पद सन्यासी अखाड़ों के पास हैं, जबकि इनमें से एक पद वैष्णव अखाड़ों के पास होना चाहिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद पर प्रमुख सन्यासी निरंजनी के महंत नरेंद्र गिरी हैं, वहीं सन 2006 से महामंत्री पद पर सन्यासी अखाड़े जूना के महंत हरिगिरी का कब्जा है, जो सरासर गलत है। वैष्णव अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे जूना अखाड़े के संरक्षक हैं और उन्हें बतौर संरक्षक अखाड़ा परिषद में शामिल होने का अधिकार नहीं है। लिहाजा अखाड़ा परिषद में जल्द से जल्द बदलाव हो और सन्यासियों के साथ वैष्णव अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व मिले। अखाड़ा परिषद का जो वर्तमान में जो गठन है ये असंवैधानिक है, क्योंकि पुराना विधान चला आ रहा है, पुरानी परिपाटी चली आ रही है, पुरानी परंपरा चली आ रही है। अगर सन्यासी का अध्यक्ष है तो वैष्णव का महामंत्री होना चाहिए। ऐसे में वर्तमान में अगर नरेंद्र गिरी जी सन्यास परंपरा से अध्यक्ष है तो बैरागी संप्रदाय से महामंत्री का पद होना चाहिए या वैष्णव से महामंत्री का पद होना चाहिए। ये नहीं होता है तो वर्तमान जो अखाड़ा परिषद चला रहे हैं ये धक्का मुक्की अखाड़ा परिषद है और ये असंवैधानिक रूप से कार्य कर रही है। हरिद्वार में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होने जा रहा है, जिसको लेकर कुंभ मेला पुलिस ने अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। आज मेला नियंत्रण भवन में कुंभ मेला SSP जन्मजय खंडूरी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठकर मेले की तैयारियों पर चर्चा की। इस मौके पर SSP जन्मजय खंडूरी ने बताया कि मकर संक्रांति पर साल का पहला बड़ा स्नान होने जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक प्लान और भीड़ प्रबंधन को लेकर आज बैठक की गई है। इसके साथ ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए किस तरह से स्नान को संपन्न कराना है इस पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस समय उनके पास 1300 पुलिस कांस्टेबल और 50 सब इंस्पेक्टर व 15 इंस्पेक्टर हैं। बेसिकली जो ट्रैफिक प्लान है और क्राउड मैनेजमेंट का प्लान है, क्योंकि ये साल का पहला स्नान है और मकर संक्रांति का स्नान है, तो जिसमें कि लोगों के आने की संभावनाएं हैं,
तो कोविड की गाइडलाइंस के दृष्टिगत जिस तरीके से स्नान किया जाना चाहिए उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं और उसको जल्दी हम मूर्त रूप दे देंगे। देखिए, इसमें बेसिकली जो कोर्स अभी हमारे पास अवेलेबल है उसमें लगभग 1300 के अराउंड कॉन्स्टेबल्स हैं, लगभग 50 के करीब सब इंस्पेक्टर्स हैं और 15 करीब इंस्पेक्टर्स हैं। इसके अलावा जीओज अगर देखे जाएं तो टोटल 14-15 हमारे पास जीओज अवेलेबल हैं। मेला पुलिस मकर संक्रांति के स्नान को कुंभ मेले के स्नानों का ट्रायल मानकर चल रही है, जिसको लेकर पुलिस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर ने 7 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों सहित आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया, साथ ही डंपर पर पथराव भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण में किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक राजपुरा क्षेत्र में सड़क के किनारे रहने वाले बच्चे अक्सर सड़क पर खेलते हैं। आज भी 7 साल का एक बच्चा खेल के दौरान सड़क पर आ गया, जिस दौरान खनन वाहन में लगे डंपर ने उस बच्चे को कुचल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत किया और ड्राइवर को हिरासत में लेकर डंपर को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। आज एक सूचना मिली दिन में कि गोला नदी के अंदर एक डंपर से एक बच्चे को चपेट में आया, उसको चोट लगी है। तो हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहाँ पर एक बच्चे का डंपर के नीचे कुछ दौड़ा, जिसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। बच्चे के डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया, उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही और डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा पंजीकृत करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने चमोली भ्रमण के दौरान नारायण भवन में रविवार को यहां आयोजित जनता दरबार में जनता द्वारा उठाई गई विभिन्न समस्याओं की शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। इससे पूर्व क्षेत्रीय जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद के यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। विकास भवन सभागार में आयोजित जनता दरबार में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़कों के निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं पर नाराजगी जताई। क्षेत्रीय विधायक मुन्नी देवी शाह ने भी जनता द्वार में उठाई गई सड़क संबंधी समस्याओं की पुष्टि करते हुए कहा कि संबंधित विभाग व कार्यदायी संस्थाएं निरंकुश होकर कार्य कर रही हैं तथा जनता व जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर विकास से जुड़े, हर व्यक्ति विकास से जुड़े, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यह पूरा चल रहा है। और सड़कें, पानी, बिजली, कोई भी गांव परिवार अछूता न रहे। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम क्या चाहते तोक रहे हों, कस्बे रहे हों, हर घर में कनेक्शन देने का भी काम किया है। भाजपा के पौड़ी विधायक मुकेश कोहली पर भाजपा के ही पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके संबंध में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी गई। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और उनके द्वारा जब भी कमीशनखोरी की बात की जाती है तो भाजपा द्वारा उसे कांग्रेस का एजेंट करार दिया जाता है, मगर अब जब भाजपा के ही पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत द्वारा 25% कमीशनखोरी का आरोप पौड़ी विधायक मुकेश कोहली पर लगाया जा रहा है तो भाजपा को चाहिए कि पौड़ी विधायक मुकेश कोहली पर तत्काल कार्रवाई कर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा समय समय पर कमीशनखोरी की बात सामने रखी जाती रही, मगर भाजपा द्वारा उसे कांग्रेस का एजेंडा करार दिया गया, मगर अब भाजपा को सख्त कार्रवाई करते हुए मुकेश कोहली पौड़ी विधायक को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए। जी की प्रेस वार्ता का जो विषय था वो वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो हैं उनको लेकर था कि उनके स्वयं के लोग ही, उनके पूर्व के जो पदाधिकारी हैं जिलाध्यक्ष रहे हैं, वही उन पर स्वयं 25% घूस लेने का आरोप लगा रहे हैं। आज तक इन बातों को जब हम कहते रहे, विपक्ष की सरकार कहती रही या जनता कहती रही, तो लोग इसे भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इसे कांग्रेस का एजेंडा या कांग्रेस की एक झूठी साजिश करार देते रहे। ऐसे भ्रष्ट और घूसखोर विधायकों को तत्काल प्रभाव से, सरकार को भी ये चाहिए कि अगर उन्हें अपनी छवि बचानी है तो ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को खुली चर्चा का न्योता भी दिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुली बहस के लिए एक निजी सभागार में कार्यक्रम भी रखा था, जिसमें उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक नहीं पहुंचे। जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा के स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री से विकास का हाल जानेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज उत्तराखंड आया था और उत्तराखंड में ये देखने आया था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और उनके मंत्री मदन कौशिक जी ने जो काम कराए हैं, स्कूलों पे जो काम हुए हैं, उस पे अस्पतालों पे जो काम हुए हैं, बिजली पानी पे जो काम हुए हैं, उस पे कुछ बहस होगी, लेकिन बहस में तो वो मंत्री जी कह के पीछे हट गए। और अब जो मैं सोचा कि जाते जाते एक स्कूल भी देख लें, तो ये मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, यहाँ का ये स्कूल है सड़क के किनारे, इसलिए इसको मैं देखने आ गया। यहाँ मैं देख रहा हूँ स्कूल तो खैर जैसा है सो है ही है, इस गांव के बच्चों को मजबूरी में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ख़राब किए गए और फिर प्राइवेट स्कूल खोले गए, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है मोटी फीस देके। गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ये कर दी गई है कि कोई आदमी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता नहीं। फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे जी स्कूल ये बंद करना पड़ रहा है क्योंकि लोग आते नहीं इसमें पढ़ने, इसलिए इसको बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में